सुकून कल्ब ख्वाहिश तय करने का नाम है या ख्वाहिश सराब होने का नाम है। वासिफ अली वासी साहब फरमाते हैं, सुकून कल्ब किस चीज़ का नाम नहीं है, अल्लाह की फजल का नाम है। अल्लाह फजल करे तो इसे सुकून कल्ब हासिल होता है। मतलब ये कि अल्लाह का फजल जब नाजिल हो जाए तो आपको सुकून कल्ब महसूस होता है, फिर ख्वाहिशात की फरामानी वाला भी मुतमिन रहता है और ख्वाहिशात पूरी ना करने वाला भी। जिसने ज़िंदगी की खुशहाली गुजारी उसको भी सुकून कल मिल गया, जिसने ज़िंदगी अल्लाह के नाम पे गुजारी उसको भी सुकून कल मिल गया, फाका में भी मिल गया और लंगर खानों में भी मिल गया। मतलब ये कि सुकून कल के फार्मूले का कोई नाम नहीं, फार्मूले तो वैसे ही बच्चों के लिए होते हैं। मसलन ये कि मिठाई बना ली, ये सुकून कल है कि मिठाई खा लो। किसी का सुकून कल बर्बाद ना करो, क्योंकि सुकून कल मिल जाएगा, दूसरों को खुश रखा करो और सुकून कल मिल जाएगा। कभी पैसों से मोहब्बत न करना, सुकून कब मिल जाएगा। ख्वाहिशात को जिद मत बनाना, सुकून कब मिल जाएगा।